राज्य में नागपुर, बीड़, साकिनाका, परभणी, डोंबिवली और कई अन्य स्थानों पर महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचार की घटनाओं के बावजूद सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह के कदम नहीं उठाए, ऐसा कहकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए शक्ति कानून को लागू करने की मांग आयोजित पत्र परिषद के दौरान प्रदेश सचिव अर्चना डेहनकर द्वारा की गई। महिला सुरक्षा पर महाविकास आघाड़ी सरकार की निष्क्रियता कष्टप्रद है। अब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कानून अपने हाथ में लेना होगा या उन्हें सरकार की तरह घर पर ही रहना होगा, ऐसा सवाल अर्चना डेहनकर द्वारा पत्र परिषद में निर्माण किया गया है। महिलाओं की रक्षा करने में विफल रही गठबंधन सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, ऐसी कड़ी टिप्पणी वर्तमान सरकार पर पत्र परिषद दौरान की गई। साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार किस तरह नाकाम रही है इस बारे में भी जानकारी दी। शक्ति कायदा लागू करण्याकरता मध्यंतरी गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये एक बैठक बोलवली, त्या ठिकाणी देखील आम्ही जाऊन त्यांना निवेदन दिलं की तत्काल आपण हा शक्ती कायदा तुम्ही म्हणताय तर लावा, परंतु त्याच्या आधी जे केंद्राने नियमावली तयार केलेली आहे त्याला तर इम्प्लिमेंट करा। तो त्या नियमावलीच्या नुसार या महाराष्ट्रामध्ये काम होतं आहे का याची अंमलबजावणी कोण करून घेणार, या प्रकारची देखील आम्ही त्यांना त्यांची कान उघडणी निश्चित रूपाने केली। आणि हा शक्ती कायदा लागू होण्याच्या दृष्टीने यापुढेही आंदोलनं करायची असेल ती तीव्र आंदोलनं निश्चित रूपाने असेल, भाजपचे आमचे आमदार असतील ते सगळे करतील। येणार अधिवेशनात आपली काय भूमिका काय असणार शक्ती कायदा? या अधिवेशनात देखील परत एकदा या झोपल्याचं सो घेतलेल्या सरकारला जागो करण्याकरता आम्ही निश्चित रूपाने प्रयत्न करू, त्यांना परत एकदा महिलांवर अत्याचार होणाऱ्या घटना त्यांच्या डोळ्यासमोर आणू आणि त्याच्यावर ते काय तोडगा काढतात याच्याकरता आमचं निश्चित रूपाने लक्ष लागेल आहे। सतही उन्होंने कहा कि 2 साल तक इस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ महिलाओं को निराश और धोखा दिया है। मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए 2020 में नए नियम भी जारी किए गए। तदनुसार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2 महीने के अंदर रेप की जांच पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र में FIR दर्ज करने में लापरवाही और पीड़िता के जवाब दर्ज करने में देरी हो रही है, ऐसी कई वजहों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। इसके लिए भाजपा द्वारा राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।